आगे डिस्कस कर लेंगे, सही है जी। अब हम एक इसके अंदर एक सर, एक्सेल पे करना है जी। हाँ, एक्सेल पे करेंगे तो वेल एंड गुड, और अगर वैसे करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पता है मैं एक्सेल के ऊपर जो ना, आज तो मेरा इरादा नहीं है, लेकिन अगली जो भी हमारी क्लास होगी ना, तो एक टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट का सवाल एक्सेल पे सॉल्व करवाऊंगा, सही है, थोड़ी सी कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग। तो अगर आप अभी मेरा इंतजार कर लो, कुछ लोगों को तो एक्सेल का ई भी नहीं पता होता, सही है, तो मेरा इंतजार कर लें आप। जब मैं आपको एक्सेल पे एक सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, फिर आप उसके बाद जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे अब से ऑनवर्ड्स, जब से मैं करवा दूंगा, तो फिर आप सारी कैलकुलेशन कोशिश करो मैनुअली ना करो, बल्कि एक्सेल के ऊपर करो, क्योंकि एक्सेल पे आपका हाथ साफ होना बहुत जरूरी है, सही है। अच्छा जी, अब देखें, हमने जब ट्रेडिंग प्रॉफिट स्टार्ट किया था तो मैंने इनिशियली आपको बताया था कि हम दो बेसिस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एक होती है अक्रूवल बेसिस। अब तक हम कौन सी बेसिस इस्तेमाल कर रहे थे? अक्रूवल। कोई बताएगा अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में क्या फर्क होता है? अक्रूवल बेसिस में जिस पीरियड के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं हमें उन्हें मैच करना होता है। अच्छा, और कैश बेसिस क्या होती है? जब पैसा आ रहा था तब उसको के बेसिस पे करते हैं, कैश रिसीव। कैश बेसिस के अंदर हम देखते हैं कि पैसा आ गया तो बुक कर लो, और पैसा चला गया तो माइनस कर दो, यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम की जो अप्रोच होती है वो होती है रिसीट और पेमेंट बेसिस के ऊपर, सही है। यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ हम कहते हैं सेल्स, पैसा आए या ना आए, और एक्सपेंसेस, पैसा गया हो या ना गया हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाला और उठा के उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच पे डाल दिया, सही है। अकाउंटिंग में कभी तुम लोगों ने कैश बेसिस इस्तेमाल की? नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती अकाउंटिंग करते वक्त, कैश बेसिस नॉर्मली इस्तेमाल नहीं की जाती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली अक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन टैक्स पर्पस के लिए आप अक्रूवल बेसिस भी यूज कर सकते हैं, और कुछ कंडीशंस के अंदर आपको कैश बेसिस भी अलाउ कर दी जाती है कुछ कंडीशंस के अंदर। अब हम वो रूल डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अगर एक बिजनेस चाहे तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकता है, वो कौन सी बेसिस है। तो लेट मी जस्ट मूव टू द स्लाइड अगेन, तो आपको जस्ट उसकी बेसिस बता दूं कि उसकी बेसिस क्या होती है। तो आप देखें जी, यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी कैश बेसिस। तो ये देखें, कैश बेसिस कब अप्लाई होती है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से डिफरेंट है। कैश बेसिस इज अवेलेबल फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस सच एज सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। तो पहली चीज याद रखनी है, कैश बेसिस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल ट्रेडर भी बना सकता है, पार्टनरशिप भी बना सकता है, लेकिन कंपनी के लिए कैश बेसिस अप्लाई नहीं होती। और अगर LLP हो, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, तो उसके लिए भी कैश बेसिस इज नॉट परमिटेड, सही है। अब कैश बेसिस परमिटेड कब है, कब अलाउ की जाएगी कि आप कैश बेसिस पे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालें? जब आपकी रिसीट 150,000 तक हो, जो कि नॉर्मली कौन से बिजनेस होते हैं। इसका मतलब है कैश बेसिस किसके लिए अलाउबल है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए अलाउबल है, जिनकी रिसीट, टोटल रिसीट की बात की जा रही है, वो 150,000 से ज्यादा ना हो। सो फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस की रिसीट 120,000, 1,00,000, 1,30,000 थी, उसने कैश बेसिस के लिए ऑप्ट कर लिया। ऑप्ट करने के बाद कब तक वो कैश बेसिस में चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक उसकी रिसीट 3,00,000 को क्रॉस ना कर जाए। अगर उसकी रिसीट 3,00,000 को क्रॉस करती है तो उसको कैश बेसिस को क्या करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, और उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा किस बेसिस पे बनाना पड़ेगा, अक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब भी हुआ कि एक बिजनेस कैश बेसिस पे कब आएगा, जब उसकी रिसीट 150 या उससे कम हो, और उसके बाद वो कैश बेसिस पे रहेगा, चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही कैश बेसिस पे आने के बाद उसकी रिसीट 3,00,000 को क्रॉस करती है, तो टैक्स अथॉरिटी कहती है अब आप स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी से बाहर निकल जाएं और अब आप आ जाएं दोबारा अक्रूवल बेसिस के ऊपर। इस पे किसी के माइंड में कोई सवाल क्रिएट होता है? हाँ
हाँ जी, एनी क्वेश्चन सर? इफ कैश रिसिप्ट इज अप टू 150,000, मतलब 150 से लेके 300 तक की लिमिट है हमारे पास कैश रिसिप्ट यूज करने की? नहीं, रॉन्ग। अगर आप अक्रूअल बेसिस के ऊपर हैं, ठीक है, और आपकी रिसीट 150,000 या उससे कम हो जाती है, तो आप जो है स्मॉल बिजनेस वाली स्कीम के ऊपर शिफ्ट हो जाए, सही है? अगर आपकी रिसीट 150 से ऑलरेडी ज्यादा है तो आपको कैश बेसिस अलाउ नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रखें, इनिशियल पे बात हो रही। तो ये जो सेकंड रूल है 3 लाख वाला, ये उस वक्त अप्लाई होगा जब एक बिजनेस कैश बेसिस में आ जाए, उसके बाद ये 3 लाख वाला रूल अप्लाई होगा, ये इनिशियली एप्लीकेबल नहीं है। ओके सर, क्लियर हो गया सबको? क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, तो मैंने कहा पहले ही क्लियर कर दूं कि जब आप आएंगे तो आपको 150 वाला रूल अप्लाई करना है, और जब आप कैश बेसिस में आ जाएंगे फिर आपको 150 और 300,000 वाला रूल देखकर डिसाइड करना है कि आप मसलन एक बिजनेस ने ऑप्ट किया, ऑप्ट करने के बाद उसकी रिसीट बढ़ना शुरू हो गई और रिसीट बढ़ते बढ़ते 2,50,000 हो गए, तो स्टूडेंट कहेगा 1,50,000 को क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं है। अब उसकी लिमिट 3 लाख वाली है, 3 लाख तक वो कैश बेसिस में ही रहेगा, जैसे ही 3 लाख से ज्यादा हुई उस टैक्स ईयर में आपको अक्रूअल बेसिस फॉलो करनी पड़ जाएगी, सही है जी? क्या फॉर्मेट बनेगा? कैश बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसके अंदर हम 2 चीजें लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑल रिसीट लेते हैं और उसमें से ऑल पेमेंट्स माइनस कर देते हैं, या तो प्रॉफिट आएगा या समटाइम्स लॉस भी आ जाता है। अगर रिसीट पेमेंट से ज्यादा हुई तो प्रॉफिट, अगर रिसीट पेमेंट से कम हुई तो लॉस, ठीक है जी? ओनली एन एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पसेस। दोबारा बोले, ओनली एन एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पसेस। और एक्सपेंस बिजनेस पर्पस के लिए ही होना चाहिए, रिसीट भी बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहां पर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का चक्कर बड़ा डिफरेंट है और आपको केयरफुली समझना पड़ेगा। जब हम अक्रूअल बेसिस पे डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ नॉन अलाउबल एक्सपेंस, लेकिन जब हम कैश बेसिस के ऊपर शिफ्ट होंगे तो अब आप देखें देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मींस बोथ आर अलाउड। कब माइनस करेंगे? अब एक स्टूडेंट ने मुझसे शुरू में पूछा था कि शी रीड इन द बुक दैट कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कैश बेसिस पर होगा तो कैपिटल अलाउंसेस नहीं होंगे, उसको जरा मैं क्लेरिफाई कर दूं। हमने एक प्लांट खरीदा 50,000 का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैश हमने पे कर दिया, आप कैश बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करेंगे इस प्लांट का? क्या ये प्लांट अलाउबल एक्सपेंस है? तो अगर अक्रूअल बेसिस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये प्लांट अलाउबल एक्सपेंस नहीं है, लेकिन प्लांट के ऊपर कैपिटल अलाउंसेस मिलेंगे, वो हम ले लेंगे। लेकिन जब हम कैश बेसिस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इस प्लांट को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करेंगे और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त माइनस कर देंगे, ये एक्सपेंस है हमारा। सो कैश बेसिस के अंदर एक्सपेंस देखेंगे, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दोनों माइनस कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस नहीं करेंगे। जैसे एक मोटर कार, जैसे एक प्लांट खरीदा और उसकी 50% पेमेंट आउटस्टैंडिंग है तो हम कितना माइनस करेंगे? द अमाउंट दैट इज पेड, आउटस्टैंडिंग माइनस नहीं कर सकते, सही है? फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या हर कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउबल होता है? क्या किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कैपिटल अलाउंसेस नहीं मिलेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कार परचेज की कैश बेसिस स्कीम के अंदर तो उस कार के ऊपर आपको कैपिटल अलाउंसेस का क्लेम मिल सकता है। लेट मी रिपीट, क्या कह रहा हूं? मिल सकता है, मैं यहां लिख भी देता हूं ना ताकि याद रहे कि मैं यह कह रहा हूं, मिल सकता है अगर आप लेना चाहें तो। कैपिटल कॉस्ट ऑफ द कार इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। कैपिटल कॉस्ट यानी कि कार की जो परचेज कॉस्ट होगी उसको आप पीएनएल में से माइनस
नहीं कर सकते, सही है। अब मैंने क्यों लिखा यहां पर मिल सकता है, क्योंकि हम जर्नली कैपिटल अलाउंसेस नहीं लेते, बल्कि इसकी जगह एक नया टाइप ऑफ अलाउंस लेते हैं विच इज कॉल्ड माइलेज अलाउंस। हम कहते हैं कि यार हमें आप कार खरीदने और कार को चलाने के अगेंस्ट कैपिटल अलाउंस ले लें, या तो या फिर हम माइलेज अलाउंस ले लेते हैं। माइलेज अलाउंस जो दिया जाता है, वो माइलेज अलाउंस आपको जो दिया जाता है वो एक लिमिट है जो कि आपको टैक्स शीट में प्रोवाइड की जाएगी अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस के नाम से। ये उसकी लिमिट्स है। थोड़ी देर में अभी हम इसको इस लिमिट्स को डिस्कस करते हैं कि लिमिट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस, ठीक है। सो दोबारा रेफर करते हैं रूल को, दोबारा शुरू से चलते हैं। कैश बेसिस हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब ये टर्म्स क्लियर होंगी। रिसीट्स लेंगे, रिसीट्स का मतलब होता है कलेक्टेड अमाउंट, पेमेंट माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक बात इंपॉर्टेंट, रिसीट्स के अंदर हम कैपिटल रिसीट्स भी लेंगे और रेवेन्यू रिसीट्स भी लेंगे। क्लियर है सबको कैपिटल रिसीट्स क्या होती है और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। सेल्स को रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है, और अगर आप कोई नॉन करेंट एसेट डिस्पोज ऑफ करें तो उसकी रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है, सही है? अच्छा जी, उसके बाद अब एक दो मसले हैं इसके अंदर। वो मसले बताने से पहले, सवाल सॉल्व करवाने से पहले और एक दो मसले बताने से पहले, हम चलते हैं जरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तरफ, कि आपसे एग्जाम में थ्योरी में पूछा जाए कि ये बताएं कि कैश बेसिस इस्तेमाल करने का कोई फायदा होगा या कैश बेसिस इस्तेमाल करने का कोई डिसएडवांटेज होगा, तो हम फिर उसको लेके चलते हैं। तो कैश बेसिस इस्तेमाल करने का फायदा क्या होगा, इट्स अ सिंपलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वेरी इजी। अक्रूवल तो मुश्किल है ना, इतना पैसा आ गया, इतना कलेक्ट हो गया। कैश बेसिस सिंपल क्यों है, पैसा आएगा तो रिकॉर्ड होगा, पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड होगा, वरना रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स सिंपल इन नेचर। नंबर टू, प्रॉफिट उस वक्त तक अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, सेल्स हुई 1 मिलियन की, अभी तो अमाउंट कलेक्ट भी नहीं हुआ, टैक्स वाले कहते हैं लाइन टैक्स दें। कैश बेसिस जब इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉफिट उसी वक्त आएगा जब वो कलेक्ट हुआ होगा। अगर सेल्स होंगी और कलेक्ट होंगी तो तभी तो हम पीएनएल में डालेंगे, वरना उसको पीएनएल में नहीं लेंगे। तो हमें जो टैक्स देना है वो अमाउंट उस पर देना है जो हमें ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। तो कैश फ्लो का बेनिफिट मिल जाएगा, कैश फ्लो के एडवांटेजेस इसके अंदर हमें मिल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर बिजनेस को कैश बेसिस के अंदर फॉर एग्जांपल 150,000 का लॉस आ जाता है, तो उस लॉस के अगेंस्ट जब हम रिलीफ लेने जाएंगे तो कैश बेसिस के अंदर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन जब हम अक्रूवल बेसिस के अंदर लॉस का रिलीफ लेने जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं रिलीफ लेने के। अभी मैं रिलीफ की ये कैरी फॉरवर्ड वगैरह डिस्कस नहीं करना चाह रहा, इसमें सिर्फ ये बात ध्यान में रखें कि जब कैश बेसिस के ऊपर लॉस का रिलीफ लेंगे तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और कैश बेसिस के ऊपर जब हम अक्रूवल बेसिस पे रिलीफ मांगेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो कौन सी स्कीम ज्यादा बेहतर होगी जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब दोबारा रेफर करते हैं इसी स्कीम को कैश बेसिस के ऊपर, और इसमें एक दो मसले हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, और वो मसले हम अभी आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन। जो मेजर मसला है वो है फ्लैट रेट एडजस्टमेंट। देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि ऑनर ने एक चीज प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल की, वो कार भी हो सकती है और वो कोई और चीज भी हो सकती है जो कि ऑनर ने प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल की, ठीक है। अब नॉर्मली अक्रूवल बेसिस में ये होता था कि जो भी प्राइवेट पर्पस होता था उसको हम क्या करते थे, एड बैक कर देते थे, चाहे वो कार का एक्सपेंस हो या अदर प्राइवेट यूज ऑफ एसेट्स हो। लेकिन जब हम कैश बेसिस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम वो एड बैक वाला रूल अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे जो यहां पर लिखा हुआ है। और वो क्या है, अगर कोई प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट होती है हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, रेंट, फूड एंड यूटिलिटीज से रिलेटेड,
तो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जो कि आपको एड बैक करना पड़ेगा, और वो फिक्स्ड अमाउंट डिपेंड करता है हाउ मेनी पीपल आर लिविंग देयर, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स के ऊपर, सही है। और वो जो फिक्स्ड अमाउंट होगा, वो फिक्स्ड अमाउंट हमें फ्लैट रेट एडजस्टमेंट के नाम से एग्जाम में दिया हुआ होगा कि ये फ्लैट रेट एडजस्टमेंट है और ये आप एड बैक कर सकते हैं। तो ये जो फ्लैट रेट एडजस्टमेंट है, ये सिर्फ हम अक्रूअल बेसिस में भी कर सकते हैं, कैश बेसिस में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो फ्लैट रेट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हम कैश बेसिस के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। सो मसलन फॉर एग्जाम्पल 5,000 का एक ऐसा अमाउंट है जो कि प्राइवेट पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं एडबैक 5,000 तो करूंगा अक्रूअल बेसिस में, लेकिन जब हम कैश बेसिस पे आऊंगा तो वो 5,000 इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि एग्जाम में जो फ्लैट रेट एडजस्टमेंट डीवी होगी वो यूज करते हुए उसको एडबैक करूंगा। अगेन जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और प्राइवेट एलिमेंट हो किसी और चीज से रिलेटेड, यानी कि कार को छोड़कर और हाउस होल्ड गुड्स को छोड़कर, तो उसको हम नॉर्मल तरीके से एडजस्ट करेंगे, यानी कि प्राइवेट एडजस्टमेंट निकालेंगे और प्राइवेट यूज उठाकर हम पूरा का पूरा अमाउंट एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर फ्लैट रेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारा जो प्राइवेट यूज का जो एलिमेंट है वो या तो मोटर एक्सपेंस के साथ आएगा, अगर हमने कार खरीदी या कार की रनिंग कॉस्ट लगी, इंश्योरेंस, रिपेयर, सर्विस एंड फ्यूल, तो उसका तरीका यह है कि उसको अलाउबल डिडक्शन कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वो डिडक्शन किस तरह से निकलेगी, अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस के नाम से कैलकुलेट होगी। मसलन लेट मी जस्ट पुट अ फिगर हियर क्लेरिफाई करने के लिए, देखें कैश बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर एक्सपेंस दिया हुआ है आपको फॉर एग्जांपल 15,000 का, ये मोटर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है 15,000 का, लेकिन कैश बेसिस के अंदर हम इस मोटर एक्सपेंसेस की जगह अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस की वर्किंग करेंगे। ये कैश बेसिस का टॉपिक काफी टेक्निकल है, अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस। अब टैक्स वालों ने हमें टैक्स शीट के अंदर बताया हुआ है अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस की लिमिट दी हुई है कि जी अगर 10,000 माइल्स तक आपने गाड़ी चलाई तो आपको 0.45 पेंस अलाउबल है, और एक्सिस जितना भी आप लेके जाएंगे उस एक्सिस के ऊपर आपको 25 पेंस अलाउबल, ये टैक्स शीट के अंदर गिवन। तो मैं सवाल ये पूछूंगा कि कार का बिजनेस माइलेज बताओ कितना है। अब कार का बिजनेस माइल्स मुझे बताया गया कि जी कार का बिजनेस माइल्स है 15,000 माइल्स, जो बिजनेस पर्पस के लिए कार इस्तेमाल हुई। तो जब मैं कैश बेसिस इस्तेमाल करूंगा तो मैं अप्रूव माइलेज अलाउंस निकालूंगा, कितने निकालूंगा, 10,000 के ऊपर मुझे कितना टैक्स अथॉरिटी अलाउंस देगी, 4,500। एक्सिस कितना हुआ, 5,000। 5,000 पे कितना अलाउंस मिलेगा, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा टोटल, 5,000 × 0.25 ऐड कर दूं, 5,750। अब करेंगे क्या, जो मोटर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मौजूद है उसको हम इग्नोर करेंगे, और ये जो अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस है इसको एज एन एक्सपेंस कैश बेसिस के अंदर से माइनस कर दें। याद रहे ये अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब अक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग हो रही होगी तो कार के लिए कैपिटल अलाउंसेस इस्तेमाल करें। अभी बड़ी कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन का हल यही है कि आप प्रैक्टिस करें तो आपको क्लियर होगा कि कब कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं कार के ऊपर और कब कार के ऊपर अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस क्लेम किए जा सकते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे अक्रूअल बेसिस को और कैश बेसिस को, देन वी नीड वी केम टू नो दैट कि अच्छा अक्रूअल बेसिस ऐसे इस्तेमाल होती है और कैश बेसिस ऐसे इस्तेमाल होती है। सो फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले जो भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होगा उसके अंदर मैं तमाम रिसीट ले लूंगा, उस रिसीट में से मैं तमाम एक्सपेंसेस जो के पेड और अलाउड होंगे वो माइनस कर दूंगा, जो फ्लैट रेट एडजस्टमेंट होगी प्राइवेट यूज वाली उसको ऐड कर दूंगा, कौन सी
फ्लैट रेट वाली, फ्लैट रेट एडजस्टमेंट जो कि एग्जाम में गिवन होगी वो उठा के इसके अंदर एड बैक कर दूंगा, और उसके बाद अगर प्रॉफिट आता है तो उसके ऊपर टैक्स दूंगा, और अगर लॉस आता है तो उसको फिर रिलीफ के लिए क्लेम कर लूंगा अंडर कैश बेसिस। मसलन देखें, फॉर एग्जांपल आपको सवाल में दी हुई है सेल्स हैं 180,000, सही है, 20% इज आउटस्टैंडिंग, पता है रिसीट कितनी होगी, रिसीट में क्या लिखूं? लिखू 180,000 मल्टीप्लाई बाय 80% कितना होता है? 144,000. अब देखें जब मैं अक्रूवल बेसिस 34, चलो जो भी है सही होगा, जब मैं कैश बेसिस इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, रिसीट में 144,000 लिखूंगा, लेकिन जब मैं अक्रूवल बेसिस इस्तेमाल करूंगा तो मैं सेल्स के आगे क्या लिखूंगा, 180,000। तो ये फर्क हमें समझना है। सिमिलरली अगर आपको एक एक्सपेंस दिया हुआ है सवाल के अंदर यार, वो एक्सपेंस है 80,000 का, और आउटस्टैंडिंग यानी कि नॉट पेड अप है 10% इज आउटस्टैंडिंग, तो हम कहेंगे पेड बताओ कितना होगा, तो आप पेड निकालेंगे 80,000 का, 90% इज पेड, तो आप एक्सपेंस में क्या दिखाएंगे, 72,000 का दिखाएंगे। तो इट्स अ रियल टेस्ट कि तुम लोगों ने एग्जाम में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है कभी F3 के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अगर उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, और बजट का भी बनाया हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे सवाल देखेंगे तो फिर हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में जो अब तक जो दो सवाल किट में दिए हुए हैं उसमें एग्जामिनर ने होशियारी क्या की हुई है कि एक ही सवाल में कह रहा है पहले से अक्रूवल से सॉल्व करो, और फिर इसी सवाल को कहता है कैश बेसिस से सॉल्व करो, एक खिचड़ी पका देता है, मिक्स कर देता है स्टूडेंट कन्फ्यूज कि अक्रूवल बेसिस में क्या लें क्या छोड़ें, और कैश बेसिस में क्या कंसिडर करें और क्या छोड़ें। किट के अंदर जो दो सवाल इस स्कीम से दिए हुए हैं, मैं उसको नाम भी आपको क्लियर कर देता हूं, जो कि हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये अभी सैम वाइट हमने क्वेश्चन किया था, उससे पहले दिए हुए 101 एंड 102, क्वेश्चन नंबर 101 एंड 102, इदरीस विलियम एंड इथेल, ये दो सवाल हैं जो कि अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस के कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छे सवाल हैं, और अगर ये अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए जाएं, रूल्स के साथ पढ़ के सॉल्व कर लिए जाएं, तो आई होप वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। अब नाउ आपका क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि ऑफिशियली मैंने ये लेक्चर अभी यहाँ पे ख़त्म करना है, अगर आज के पूरे लेक्चर में या पिछले लेक्चर में और कोई मसले मसाइल हैं तो आप सवाल पे आ जाएं। कैश बेसिस हमारा नेक्स्ट क्लास का एजेंडा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इस कैश बेसिस प्रैक्टिस के साथ कवर करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप जो कि इसी मोड के ऊपर चलेगा, इसी तरह का पार्टनरशिप का टॉपिक भी। चले जी सवाल, हैं सवाल या ना? हाँ या ना, नो सर। एनीवन एल्स? जो कैश अक्रूवल्स वर्सेस का जो बताया वो मुझे समझ तो आ गया, पर एक बार बताएं ऐसे तो कोई भी रूल नहीं है ना कि अगर 150,000 से हमारे एक्सीड करते हैं तो फिर हमें अक्रूवल बेसिस करना होगा, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना? नहीं नहीं, चॉइस है, चॉइस है, चॉइस है। एक बिजनेस अगर कैश बेसिस को ऑप्ट करना चाहता है, जैसे मैंने बताया ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो अगर आपको एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं तो आप ऑप्ट कर लें, लेकिन अगर एक बिजनेस के पास रिसीट 1,50,000 से ज्यादा है तो वो कैश बेसिस पे आ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी रिसीट 1,50,000 ऐसा नहीं है कि उसकी रिसीट अगर 1,50,000 से कम हो गई तो उसको बाय फोर्स कैश बेसिस पे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको
उसकी रिसीट्स 150,000 से ज्यादा है. अब उसकी रिसीट 150,000 से ज्यादा है यानी कि 1,80,000 है और वो चाहता है कि वो कैश बेसिस के ऊपर आ जाए, नहीं आ सकता क्योंकि उसको अक्रूअल बेसिस फॉलो करनी पड़ेगी. हाँ यही तो, मतलब अगर 150,000 से ज्यादा है तो लाजमी उसे अक्रूअल बेसिस करना है ना. यस 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 यस. देखो दो सिचुएशन, मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देता हूँ. दो सिचुएशन है, देखो दो सिचुएशन.